अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, उन सबका दिल से शुक्रिया। आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करती है और आपकी स्किन को जो है ये स्मूथनेस देती है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मोटी मोटी आईब्रो पसंद है। और आप लोग इजिली यहाँ से भी इसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आपने रिमूव को नीचे की तरफ लेके आना। 1 2 3 4 5 6 7 ये वाली फिंगर है, इसमें धागे को इस तरीके से आपने फोल्ड एंड फोल्ड एंड। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे है सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। तो आज आप लोगों से स्पेशल थैंक यू कहना है, क्योंकि आप लोगों जो भी मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइबर आए हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और आप लोग मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं। इतना सारा प्यार देने के लिए, इतनी सारी ढेर सारी दुआएं देने के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से थैंक्स। मैंने सोचा कि आज मैं आप सबको थैंक्स ज़रूर बोलूँ, क्योंकि बहुत सी वीडियोज़ ऐसी चल गई जिसमें मैं बोलना चाहती थी लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं वीडियो बनाते के टाइम भूल जाती थी कि मुझे ये भी बोलना है। लेकिन आज मैं याद करके बैठी कि नहीं यार, सबसे पहले मुझे अपने सब्सक्राइबर्स और जो मेरी वीडियोस डेली वॉच करते हैं, यानी कि जो मेरी हर वीडियो को वॉच करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मेरे सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, उन सबका दिल से शुक्रिया और दिल से थैंक यू सो मच। तो अपनी वीडियो को आगे लेके चलते हैं। अच्छा जी, अभी एक बात आप लोग सुन लीजिए, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि सारी नई नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो जी, सारी बातें हो गई हैं, बातें शातें ख़त्म हो गई हैं, अब हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग बोलेंगे कि टाइम वेस्ट कर रही है भाई, इसके पास बहुत टाइम है और ये बोले जा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अमेजिंग। हर लड़की की, देखिए हर लड़की की यही नीड, यानी कि हर लड़की को ज़रूरत होती है कि ये जो हमारे जो हेयर्स निकल आते हैं, जैसे अपर लिप होती है, यहाँ पे हेयर्स होते हैं, फेस हेयर्स होते हैं, लड़कियाँ इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। ठीक है, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, बहुत ज़्यादा जो है हम लोग पॉलर की तरफ भाग रहे होते हैं, लेकिन कुछ लड़कियों के नज़दीक जो है वो पॉलर्स नहीं होते जो आसानी से वो अपनी हेयर जो है वो रिमूव करवा सकें। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, अब आप लोग ईजिली घर में अपने फेशियल हेयर को रिमूव कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। तो आज की वीडियो आप लोग एंड तक देखें और देखते जाएं, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत हेल्पफुल है, आप सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो एंड तक देखते रहें और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी फ्रेंड्स, तो आज जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो है ये है वीट की। ठीक है, ये देखिए आप इस तरीके से, ये इजिली, ये वीट है, इजी जेल है, फेस वैक से स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, अप टू 28 डेज ऑफ स्मूथनेस, आपकी स्किन को 28 डेज के लिए ये स्मूथ रखती है और जो है एक्सफोलिएटेड है एंड मॉइस्चराइज स्किन, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करती है और आपकी स्किन को जो है ये स्मूथनेस देती है। तो मैं तो ये यूज़ करती हूँ अपनी स्किन के लिए, जब भी मुझे मेरे फेशियल हेयर आते हैं, जैसे अपर लिप्स पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, आईब्रो मैं बहुत ज़्यादा नीट नहीं करती, आईब्रो मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मोटी मोटी आईब्रो पसंद है। पहले के दौर में, जैसे आज से जब हम लोग स्कूल में हुआ करते थे, 9th-10th की बात है, तो बड़े बड़े लोग पतली पतली आईब्रोज बनाते थे, जिससे जो है लड़कियों के चेहरे बहुत ज़्यादा जो है वो शार्प लगने शुरू हो जाते हैं और लड़कियां अपनी एज से बहुत ज़्यादा बड़ी लगने लग जाती हैं। इसलिए आईब्रोज को थोड़ा सा जो है कम नीट किया करें। आईब्रो के मोटे होने से जो है आपका फेस जो है वो बेबी फेस कहलाता है। तो ये बहुत अच्छी है, सेंसिटिव स्किन फेस है, मेरी जो स्किन है मैं जो है अपनी स्किन पे ये यूज़ करती हूँ, क्योंकि सेंसिटिव स्किन है, मैं अगर फॉर धागा यूज़ करूँ या कुछ तो मेरी स्किन पे जो है वो रेडनेस शुरू हो जाती है, रेड हो जाता है, और इससे जो है आपको स्मूथनेस मिलती है। ये देखें आप लोग इसका इस तरीके से स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है, बहुत इसके बेस्ट और अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, आप लोग इसको ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को सूट नहीं करती तो आप लोग नहीं भी लीजिए, ये ज़रूरी नहीं कि आप लोगों ने यही लेना है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, उसका रिव्यू दे रही हूँ कि ये बहुत अच्छा है। ठीक है, अंदर ये देखें इसके जो है ये इस तरीके से स्प्रिट्स हैं, और आप लोगों को ये निकाल के और इसको अपने फेस पे इस तरीके से ट्राई करना है, वो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी। और मैं दूसरी बात बता दूं कि हम लोग और क्या क्या चीज़ें इजीली घर पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि वीट की है, ये बहुत अच्छा है, आप लोग ये बाय कर सकते हो। और इसकी जो प्राइस है, मैंने ये इम्तियाज़ से ली थी, आई थिंक इसकी प्राइस यहाँ पर मैंशन नहीं है, वो वहीं पर आ गई होगी, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, बहुत नॉर्मल प्राइस पे है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, आप लोग इसको ले सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरीके से आपने ये इस तरीके से इसको दो हो जाती हैं एक स्प्लिट्स को, और जो है आपने क्या करना है जहाँ पे आपके हेयर हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि यहाँ जैसे मेरी हेयर है या यहाँ पर, ठीक है, उस तरह आपने रखना है और थोड़ा सा इसको प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7
10 सेकंड्स के लिए हमें छोड़ने के बाद स्किन को अपनी टाइट कर लेना है। दोबारा इस तरह हमें जो है ये देखें, आप लोग चेक कर सकते हैं कि कितने हेयर्स आए, ये देख रहे हैं कितने ज्यादा हेयर्स आए यहाँ पे। इसी तरीके से ये नीचे कर लें और इस तरीके से आप अपने पूरे फेस पे ईजिली अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा हेयर्स इसमें आ गए हैं। तो बहुत ईजी है, घर बैठ के आप आराम से ईजी तरीके से स्प्लिट से आप लोग अपने हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देख सकते हैं आप लोग लाइव जी फ्रेंड्स। तो आजकल देखें इस तरीके से ये जो रेजर है, ये फेस रेजर्स हैं और ये मार्केट में बहुत इन है। ठीक है, ये इजीली पता है आप लोग कहाँ से ले सकते हैं, दराज पे इजीली अवेलेबल है और आप लोग आजकल शॉप्स वगैरह पे जाते हैं, जैसे जो भी कॉस्मेटिक्स की शॉप्स होती हैं वहाँ पे भी ये इजीली मिल जाते हैं। इससे जो है आप लोगों ने हेयर रिमूव, अगर अपने हेयर को रिमूव करना है तो आपने देन नीचे की तरफ करना है। ठीक है, इस तरीके से आपने नीचे की तरफ लाना है, कभी भी हेयर्स को ऊपर की तरफ नहीं लेके जाना है। ऊपर की तरफ लेके जाएंगे एक तो हमारे हेयर जो है वो थिक ग्रोथ होंगे और बहुत मोटे मोटे से आएंगे जो कि हमारी शक्ल पे बहुत बदनुमा लगेंगे। और आप लोग हमेशा नीचे की तरफ लाएंगे तो जो हमारे हेयर्स हैं वो वैसे ही आएंगे जैसे आते हैं। और आप लोग इजीली यहाँ से भी इसको रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है और आप लोग इसको भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए परचेज, मैं तो वीट की वो यूज करती हूँ स्ट्रिप्स, और आप लोग इसको भी ले सकते हैं, बहुत ईजी। लेकिन एक बात सुन लें, सबसे पहले अगर आप लोग इसको यूज करेंगे इससे पहले आपने अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम भर के अपने चेहरे पर लगानी है ताकि स्किन जो है वो हमारी मॉइस्चराइज रहे। और उसके बाद जो है स्किन जब हमारी अच्छी सी मॉइस्चराइज होगी देन उसके बाद आपने रिमूव को नीचे की तरफ लेके आना है, कभी भी ऊपर की तरफ लेके नहीं जाना है। ठीक है, ये बात हो गई देन कि हमेशा हमें रिमूव नीचे की तरफ करना है हेयर, एक ये हो गई। थर्ड मैं आपको बताती हूँ जी फ्रेंड्स। तो लास्ट और मैं आपको घर का तरीका बताती हूँ, बेस्ट है। ठीक है, ना आपको पैसे उठाने पड़ेंगे, ना आपको रेजर्स खरीदने पड़ेंगे, ना आपको वीट की स्प्रेड्स खरीदने पड़ेंगे। आपने इस तरीके से एक धागा ले लेना है। ठीक है, ये तो घर में सबके होता है। आपने ये वाली फिंगर जो है, फर्स्ट फिंगर, ये आप लोग टिप्स जरूर सीखिए, ये वाली फिंगर है, इसमें धागे को इस तरीके से आपने फोल्ड एंड फोल्ड एंड फोल्ड 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 इस तरीके से हमने फोल्ड करना है। ठीक है, धागे को हमने जैसे 10 दफा इस तरीके से 10 टाइम्स हमने फोल्ड कर लिया। अब ये वाला जो धागा है हमने इस हाथ में पकड़ा, जिस हाथ में हमने फोल्ड किया है, जिस फिंगर में हमने फोल्ड किया है, धागा भी हमने उस हाथ में पकड़ के और इस तरीके से हमने सेकेंड हाथ में धागे की कैंची बना लेनी है। इस तरीके से देखें, कैंची टाइप हमने ये बना लेना है। ये हमारा बन गया है साफ करने के लिए, यानी कि इस तरीके से हमने कैंची बना लेनी है और मैं धागे को किस तरीके से जो है वो मूव कर रही हूँ, आप लोगों ने भी इसी तरीके से इस फिंगर को हटाना है और इस फिंगर को पीछे की तरफ हल्के से इस तरीके से हमें मूव करना है। ये देखें आप, ईजिली हमारे बाल रिमूव हो जाएंगे, इससे नो साइड इफेक्ट है, घर पे हर कोई ईजिली कर सकता है। अब आप लोगों को पार्लर जाने की भी जरूरत नहीं है, आप घर पे ईजिली आप जो है इस धागे से ही आप आसानी से, ये देखें, और अगर आपको यहाँ पे करना है तो इस तरीके से आपने बालों को पीछे किया, ये देखिए इस तरीके से आपने यूं, ये देखें आप कितने इजीली तरीके से हो रहा है, स्मूथली आपने इस तरीके से कर लिया। ठीक है, आप घर बैठे ही अपनी, यानी कि पार्लर में जाए बगैर आप लोग घर बैठ के ही खुद ही अपने जो है फेशियल हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको तीन तरीके बताए हैं। फर्स्ट मैंने आपको वीट का बताया कि आपने स्प्लिट लगानी है और उसके बाद यूज करना है। सेकंड जो मैंने आपको बताया है वो रेजर है, रेजर से भी आप इजीली यूज कर सकते हैं। थर्ड, आप धागे से इजीली अपने घर पे आप अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये देखें, ये तीनों तरीकों से मैंने आपको बताया है कि ये आप इजीली इन तीनों तरीके से अपने हेयर्स को घर में ही रिमूव कर सकते हैं, बहुत ईजी है। धागे से भी आप लोग इजी तरीके से, मैंने आपको सिखा दिया है कि उंगली में इस तरीके से फोल्ड करके और धागे से भी इजीली घर पर रिमूव कर सकते हैं हेयर। देन ये रेजर आता है, लेडीज रेजर है, आप लोग इससे भी जो है इजीली रिमूव कर सकते हैं। और ये वीट के स्प्लिट्स हैं, आप लोग इजी तरीके से इससे भी रिमूव कर सकते हैं हेयर। तो ये तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, अब आप लोगों को पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर में इजी तरीके से आप लोग अपने हेयर्स को रिमूव करें और अपने चेहरे पे स्मूथनेस पाएं और फ्रेशनेस पाएं। अच्छा, मैं ये बताऊं कि अगर जो लोग लड़कियां ब्लीच कर लेती हैं अपने चेहरे पे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा ब्लीच यूज मत किया करें। ब्लीच करने से जो है हमारी स्किन बहुत ज्यादा जो हल्के हल्के करके, उस वक्त तो हमें जो है
वो कलर फेयर लग रहा होता है, लेकिन बाद में स्किन हमारी जो है वो डल की तरफ चली जाती है, स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी डल हो जाती है और हार्मफुल होती है ब्लीच। तो प्लीज़ ब्लीच कम से कम क्या करें, ये चीज़ें जो हैं हर्बल जो चीज़ें यानी कि जो आप इजीली अपने घर में होममेड आप खुद यूज़ किया करें। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को मिली अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।